Hi guys, welcome back to my channel Mahindata Hashtag Pride Family and this is Shiva. Hi bolo sabko, a warm welcome to my channel and those who are new unko bhi meri taraf se bahut sara warm to welcome. और देख रहे हो Shiva कैसा कर रहा है. तो आज हम Shiva और गौना के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं बिकॉज दिस इज़ गोना बी पेट टॉकीज और पेट पेरेंट टॉकीज. सो आई थॉट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद यू ऑल बिकॉज मैंने जो फेस किया है उसके साथ आपको भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है. ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो अक्टूबर 31st में मैं अपने Shiva को अक्टूबर 31st 2021 पे मैं अपने Shiva को ले आई थी घर पे. ओके देन ही वॉज ओनली 15 डेज चाइल्ड, 15 डेज पप्पी ही वॉज. सो मुझे उसको बहुत सारा केयर करना था बिकॉज उसने अपनी मदर की जो होता है मिल्क ज़्यादा दिन पीनी है और मुझे बहुत डाउट भी था कि उसने बहुत अच्छे से पी होगी या नहीं. बिकॉज आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसको देखा होगा कि उसके ये पीछे वाले पैर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ड्रिंक मिल्क ऑल्सो. तो मैंने उसको फीडिंग करवाया एक दिन के लिए, बस एक दिन. तो नेक्स्ट डे मम्मी ने बोला कि उसको खुद खाने से दे. तो मैंने थोड़ा सा एक बिस्किट दिया था उसको, मैरीगोल्ड बिस्किट दिया था उसको खाने के लिए. आधा मैरीगोल्ड बिस्किट उसको मैंने एकदम क्रश करके पाउडर बना के दिया था. तो उसने वो खुद से खाया एंड गेस व्हाट, उसको खुद से खाने के बाद वो खुद से चलने लगा थोड़ा 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 चलने लगा थोड़ा थोड़ा. देन उसको अच्छे से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके खाना दिया गया. मम्मी ने उसको खाना देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी ने ली है बिकॉज मुझे खाने का इतना आइडिया नहीं है. अगर छोटे बच्चे को क्या देना चाहिए, कितने क्वांटिटी में देना चाहिए वो भी मुझे पता नहीं है. देखो देखो कैसे हो रहा है. तो मैंने मम्मी को बोला कि आप ही दो, सबसे बेटर होगा. देन ऐसा कुछ अच्छा चलता गया तो मम्मी उनको क्या उसको क्या कर रही थी, उसको देती थी राइस को अच्छे से पेस्ट बनाकर मिल्क के साथ, वो अच्छा खा लेता था. एंड रात को एक बिस्किट के साथ वही दूध, वही मैरीगोल्ड बिस्किट, वही दूध उसको भी पेस्ट बना के देती थी तो वो खा लेता था. सुबह उठकर मैं सिर्फ उसको दूध देती हूँ, देती थी भी हूँ भी अभी. ऐसे ही अच्छे से चल रहा था. फिर जो मूढ़ी होता है जिसको बोलते हैं पफ्ड राइस और चीड़ा होता है, उसको भी मम्मी ने ग्राइंडर में पाउडर बनाया और उसको क्या करती है दूध के साथ मिक्स करके 4 बजे थोड़ा देना पड़ता है सुबह को, थोड़ा सा 10 बजे एक ब्रेकफास्ट की तरह देना पड़ता है, तो वही देती थी. ऐसा 1 वीक तो गया अच्छे से. नेक्स्ट वीक मैंने थोड़ा सर्च किया कि क्या खाना चाहिए और थोड़ा सा उसको वो हेल्दी फील करे. तो आई फाउंड कि उन्होंने बोला कि ऐसे डॉग को आप सेरेलैक दे सकते हो, जो बच्चों का आता है सेरेलैक्स या सेमी ग्रोथ वेंटी प्रो, ये सब दे सकते हो. इट्स अ मिल्क पाउडर काइंड ऑफ अ थिंग, यू कैन गिव इट टू यू योर पपी. तो मैंने भी बहुत ज़िद किया कि हाँ पापा प्लीज़ उसको ला कर दो वरना वो खा नहीं पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, घर का चीज़ें उसको अच्छी सूट नहीं करेंगी. तो मैंने ये सोचा बिकॉज डिफरेंट ब्रीड्स की वो खा रही थी और ये हमारा देसी इंडियन ब्रीड है, उसके ऊपर छोटा सा बेबी है जिसका 1 मंथ सिर्फ, वो तब तक हुआ नहीं था 1 मंथ, ठीक है. तो मैंने पापा को बोला तो पापा जाकर मुझे सेरेलैक का जो 6 मंथ्स ओल्ड वाला आता है वो वाला लेकर, बैब बॉय काइंड ऑफ अ थिंग, नो चाटा चाटी, चप 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 चप. तो 6 मंथ ओल्ड वाला जो था वो मुझे ले आकर दिया एंड मैंने उसी को घर पे शाम आकर, मैं शाम में रिटर्न आई, शाम को आकर मैंने उसको उसमें जो स्पून दिया हो जाता बाबा ए जे हाई बोला देखो घर तो सबा देखे बैड बॉय बोले दौड़ के क्यों गुड बॉय बोलबे ना. तो मैंने उसको उसी स्पून में जो जो दिया होता था उसी स्पून का मैंने उसको दे दिया था 2 स्पून भर भर के. दैट वॉज द ह्यूज मिस्टेक आई हैव डिड इट. उसको दे दिया, फिर मैंने सोचा कि इसके उसका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा. मैंने उसको दे दिया था. फिर उसने रात के टाइम थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ सॉफ्ट पॉटी जो बोलते हैं उसको किया था. मम्मी ने देखा, मैंने भी देखा, तो मम्मी ने बोला कि वो इतना ऐसा पॉटी क्यों कर रहा है बिकॉज वो अच्छा ही पॉटी कर रहा था, एकदम टाइट, कुछ लूज नहीं था. बैड मैनर्स, नो बाइटिंग.
तो मम्मी ने बोला कि उसको कितना दिया है तुमने, तो मैंने बोला दो स्पून भर भर के है, तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा कम कर दो, तो मैंने हाफ कर दिया रात को, हाफ मूढ़ी के जो पफ्ड राइस है उसके जो पाउडर के साथ दूध और सरलक थोड़ा सा हाफ स्पून सरलक को मिक्स करके मैंने उसको दिया, तो रात को दिया। गेस व्हाट, नेक्स्ट डे मैं उठकर देख रही हूँ कि उसका जो बेड है उसके बेड में उसने एकदम लूज मोशन जिसको बोलते हैं वो करके रखा है, सारा का सारा बेड उसका गंदा हो गया है, उसके खुद के बॉडी में सब कुछ पॉटी लगा हुआ है। आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट मोमेंट। तो मैंने उसको तो क्लीन किया, साफ़ किया, उसके सारे बेड्स को अच्छे से साफ किया, उसको डिटॉल से अच्छे से मिलाया। हाँ, डिटॉल और लिक्विड वाटर से मैं उसको रोज़ इनिशियल डेज पे उसको क्लीन करती थी, बिकॉज अगर आपने फोटो नहीं देखा होगा तो मेरे शिवा की इस पॉइंट पर एक काइंड ऑफ क्या था, एक स्पॉट काइंड ऑफ था, कुछ भी था यहाँ पर था, अंडर द बॉडी था, ओके तो इनसाइड द बॉडी ऐसे अंडर द बॉडी था, तो वो सभी उठ गया है, यू कैन सी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मैंने उसको क्लीन करवाया, फिर मैं उसको छत पे लेकर गई, बैड बॉय इतना जिद्दी, सो छत पे लेकर गई मैं उसको, उसको गौना को भी लेकर गई। सो हुआ यूँ, ऐसा होता रहा, तो मम्मी ने बोला कि उस दिन थोड़ा सा कम खाने के लिए देंगे, ताकि उसका जो हम होता है ना इंसानों को भी अगर लूज मोशन हो जाए, सो व्हाट वी डू, हम थोड़ा सा खाना कंट्रोल कर लेते। तो मम्मी ने यही बोला कि हम शिवा पे भी थोड़ा सा ऐसा करते, छोटा बच्चा है, डाइजेस्ट सिस्टम भी इतना अच्छा सा नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा कम खाने के देते। मैंने देखा उसने उस टाइम उस दिन में आकर 4 से 5 बार ऐसा पॉटी किया, 4 से 5 बार। ओ माय गॉड, इट्स सो वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि इतना सा छोटा बच्चा इतनी बार पॉटी कर रहा है। एंड गेस कि उसका जो है ना बॉडी वो बहुत ही खराब हो गया था, वो खुद वीक फील कर रहा था, बट वो जताना नहीं चाहता था कि मैं वीक हो गया हूँ, और ही इज़ अ गुड बॉय, दैट्स वाई शिवा बाबा, सो दैट्स वाई। सो वो वीक हो गया, ऐसा मैंने आई थिंक थर्सडे को दिया था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हम घर पे उसको दे रहे हैं, और उसको चीड़ा और मूढ़ी का जो पेस्ट है वो दे रहे हैं, फिर मैंने देखा कि ना इट्स अनकंट्रोलेबल नहीं हो रहा है उससे, मैं देख देख कर थक गई हूँ, साफ करते करते थकी हूँ, सबसे बढ़कर है उसकी हालत ख़राब हो रही है। सो एट दैट मोमेंट मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज का, ही इज़ अ स्वीट हार्ट, उसका डॉगी है, उसको पता है डॉगी के बारे में, तो उसने मुझे उस शिवा के बारे में बहुत हेल्प की है, बहुत बहुत। आज तक कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके रिलेटेड मैं उसको कॉल करती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, गला मेरा बहुत ही ख़राब है, देखो तो मैंने इमीडिएटली अपने उस फ्रेंड को कॉल किया। तो इस मामले में मैंने स्वास्थ्य को इमीडिएटली कॉल किया था, एक तो दुष्ट भी करना दुष्ट बनो, देखो देखो देखो, अच्छा छेड़ो बाबा 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 छेड़ो बाबा, और एक बार यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, जब मैं उसको लेकर आई थी मम्मी ने बोला ना ये ना कितना वीक लग रहा है, इतना छोटू सा है, वीक लग रहा है, देख तो गाइस इसको देखकर आपको किस हाथ से लगता है, किस साइड से लगता है ये वीक है, देखो देखो इसके भोले शक्ल पे मत जाओ, देखो 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 नमोच्चर। उसको छोड़ देती हूँ, वो खेलने के मूड में है, गो बेबी गो, गो बेबी गो,
इस साइड पे थोड़ा सा है, इधर मुझे टेंशन हो रही है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो मैंने इमीडिएटली स्वस्तिक को कॉल किया था एंड स्वस्तिक ने मुझे शिवा के बारे में बहुत सारी हेल्प, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। तो स्वस्तिक ने मुझे डॉक्टर वेट का डॉक्टर दिया था, सॉरी डॉक्टर दिया था, डॉक्टर का नंबर दिया था। तो मैंने उन डॉक्टर को बहुत बार कॉल किया था बट वो मॉर्निंग के टाइम कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो मैंने उस दिन स्वस्तिक को कॉल किया एंड मैंने उससे सब कुछ प्रॉब्लम का सलूशन मतलब डिस्कस किया। तो उसने बोला ओके ठीक है, हम कल ही निकल जाते हैं। पहले रात को मैंने कॉल किया था तो उसने बोला नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं 1:30 ऐसे कुछ। तो मैं शिवा को वो ऐसे वीक हो गया था तो मैंने एक कॉटन क्लॉथ में उसको अच्छे से रैप करके मैं लेकर गई और स्वस्तिक उसको पकड़ के बैठा और हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद मैंने डॉक्टर से सब कुछ खुल के कहा कि देखिए डॉक्टर ऐसी बात है एंड इस दौरान क्या हो सकता है ना कि कोप्रोफेगिया भी, कोप्रोफेजिया आई थिंक बोलते हैं उसको साइंटिफिक टर्म में, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये भी हो सकता है माइंडेड कि डिसऑर्डर नहीं है, कुछ भी डिजीज नहीं है, इट्स काइंड ऑफ एन नेचर, हेरिडिटरी नेचर दैट गेट फ्रॉम द मदर एंड काइंड ऑफ बच्चों का ये रहता है कि वो ऐसे पॉटी करते करते ना उनकी पॉटी होते होते उनको पता नहीं चलता बिकॉज वो मिल्क पीते हैं अभी तो उनका कोई टेस्ट वेस्ट पता नहीं चलता। तो ये वो काइंड ऑफ अ नेचर हो सकता है कि वो पॉटी खा ले। कोप्रोफेजिया भी अराइज हो सकता है तो ये थोड़ा सा देख के रखना चाहिए था, चाहिए था नहीं चाहिए, तो मैं भी ये देख कर रख रही थी ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो मैंने डॉक्टर को खुल के सब कुछ बताया कि डॉक्टर ऐसी बात है एंड मैंने उसको ऐसा सा लग दिया था तो उसके बाद उसको सूट नहीं किया है तो मैं घर का खाना भी ऐसे देती हूँ, ये चलेगा या नहीं? डॉक्टर ने बोला इट्स वेरी गुड, आप कंटिन्यू करते रहिए। मैंने सेरेलैक्स के बारे में जो बताया सर, डॉक्टर ने बोला यू कैन स्किप सेरेलैक्स। मिल्क पाउडर की जहाँ तक बात है, आप थोड़ी सी मिल्क पाउडर, पहले वो ठीक हो जाए, थोड़ी सी मिल्क पाउडर आप दे सकते हो किसी और खाने में, थोड़ी सी लाइक 1 pinch, बट ज़्यादा देने की कोई जरूरत, उसको एक हैबिट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है एज इट इसकी बॉडी सूट नहीं कर रही है। हमें लगता है देसी है, इंडियन ब्रीड है, कुछ भी खा लेगा, रफ एंड टफ होता है वो, बच्चा है भाई वो, उसको कैसे सब कुछ हो जाएगा, रफ एंड टफ कैसे हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने मुझे 2 medicines लिख के दी थी, एक थी जो स्टूल के लिए और सेकेंड वन था डीवॉर्मिंग के लिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसो चलाशो चलाशो बहुत ख्याला खेली हुए थे। सो विच इज ठीक है चलो देगा सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पपीज कि हम उसको डॉगीज के लिए भी विच इज डीवॉर्मिंग करें। तो फर्स्ट मेडिसिन जो मुझे उन्होंने दिया है ये है पेडगाइल, दिस वन पेडगाइल। ये पड़ जाता है आपको 70 to 60 rupees में पड़ जाता है, मुझे पड़ गया था 60 rupees, लिखा है 70 rupees, आपको 60 rupees में आ जाएगा अच्छे से। ओ बहुत बदमाश है, चलो पीछे जाना। तो ये है पेडगाइल एंड मुझे नेक्स्ट जो लिखकर दिया था वो है बैंडी सिरप विच इज डीवॉर्मिंग, दिस इज बैंडी सिरप। और इसमें सब कुछ लिखा है कि इस साइड पर सब कुछ लिखा है कि आपको ये किस चीज़ के लिए यूजफुल है। इसका एमआरपी पड़ जाता है 120, मतलब लिखा है 130 बट मुझे मिला है 120 में। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैंडेज सिरप में, दैट इज़ फॉर टॉक्साकैरस कैनिन्स, टॉक्साकैरियस लिनोनिया, हुकवर्म के लिए, वाइट वर्म के लिए, एस्करिस के लिए, सब कुछ के लिए बहुत यूज़फुल है। और पेटगाइल ये स्टूल्स के लिए बहुत यूज़फुल है, आपको डोजेस कैसे देना होगा आपके फिजिशियन आपको रिकमेंड कर देंगे, वेट जो है वो रिकमेंड कर देंगे। बट मेरे डॉक्टर ने मुझे बोल के दिया था, मेरे वेट ने मुझे बोल के दिया था कि शिवा को खाने में पेटगाइल को दिन में 2 दिन के लिए दिया था बट वो इतना वीक हो गया था, मैंने उसको थोड़ा सा और 4 दिन बना दिया था और 10 drops ट्वाइस इन अ डे ऐसा कुछ बोला था, ऐसा बोला था उन्होंने। तो मैंने उसको वैसे ही डोजेज में दिया एंड नाउ ही इज फाइन, कम्प्लीटली फाइन, इज कम्प्लीटली फाइन नाउ। एंड फिर मैंने ये मेडिसिन देना स्टार्ट किया था आई थिंक
अक्टूबर के 12 या 13 से मैंने उसको ये मैंने मेडिसिन दिया है उसको चिल्ड्रन से पहले मैंने ये किया था, तो तब तक वो थोड़ा सा हेल्दी हो चुका है अभी तक। उसके बाद कल था 20 को उसको हो जाता है 35 डे, तो 35 डे में मतलब 20 को मुझे करना था उसको डीप वार्मिंग, तो मैं कल जाकर ये बैंडी स्टार सिरप लेकर आई थी एंड उसको 1 ml per kg ऐसा दिया जाता है 15 दिन के गैप में। तो मैंने उसको आते वक्त ही दोपहर को लंच के टाइम में उसको ऐसे खिला दिया था डीवॉर्मिंग, मैंने फर्स्ट डीवॉर्मिंग कर दिया है। 15th को इसी डेट को नोट करते हुए हमें देना है वैक्सीन, तो शिवा का जब वैक्सीन का टाइम होगा तो मैं वो आपको भी अपडेट करवा दूंगी। शिवा शिवा ऊपर उठ रहा है नीचे जा रहा है, ओह माय गॉड। सो डॉक्टर को ये सब बोलने के बाद ये सारे मेडिसिन अभी उसको देने के बाद नाउ ही इज बेटर एंड फाइन, बट डर लगा रहता है ना कुछ भी ऐसा खाने से उसको जो डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। ये गई शिवा के बारे में। सो शिवा के ऊपर मैं बहुत बताना चाहूँगी, जो भी लोग आप इंडियन स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर रहे हो, पेट पेरेंट बन रहे हो डॉगी या फिर किटन के, पपी या फिर किटन्स के, तो वो थोड़ा ये सब मेंटेन रखना है। थोड़ा ये सब मेंटेन रखना कि आपके वेट के साथ आप थोड़ा डिस्कस कर लेना कि उसको क्या सूट करेगा नहीं करेगा। आप घर पे भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो कि आपके पेट को क्या अच्छे से सूट कर सकता है, यू कैन डू दैट, यू कैन ट्राई दैट। जैसे कि मैंने बताया चीड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे वो पता नहीं है, एंड मूढ़ी को पफ्ड राइस बोलते हैं, उसको आप पाउडर बना के उसको खिला सकते हो। ओके, डॉक्टर ने बोला था कि विदाउट शुगर, शुगर फ्री बिस्किट को देना है, दैट इज़ प्योर पेट इन द मिल्क फ्लेवर, प्योर पेट कंपनी का मिल्क फ्लेवर में आता है, उसका बेस है रियल चिकन, बट फ्लेवर है मिल्की, वो आप उसको दे सकते हो एंड इट्स विल बी वेरी वेरी गुड। और देसी ट्राई अगर मैं बोलूँ, अगर देसी चीज़ों से आप करना चाहते हो, इंसानों का निकलता है डायबिटीज पेशेंट का जो विदाउट एनी शुगर है, आप वो बिस्किट भी उसको दे सकते हो ताकि वो हेल्दी रहे, जिसके लिए वो बड़े बॉटल अफोर्ड करना इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल, वो आप दे सकते हो, देसी नुस्खा है ये। ओके, तो वो खेल रहा है मेरे हेलमेट के साथ एंड ये सभी चीज़ें उसको जब पॉटी करे तो उसको देख देख के रखे, बिकॉज छोटा बच्चा है वो जान नहीं पाता है, वो खा लेते हैं और ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है कि जब वो अपने पॉटी खा लेते हैं, इट्स क्वाइट अ वेरी वेरी लाइक बैड नेचर दैट इज़ हेरिटेड फ्रॉम देयर मदर, बट इट्स ट्रू, हमें देख कर रखना चाहिए। एक्चुअली देसी इंडियन ब्रीड का तो मैंने यही स्टडी किया है अब तक, मैंने ब्रीड का डिफरेंट ब्रीड्स का इंटरनेशनल ब्रीड का तो मैं जान नहीं पाई हूँ, आई थिंक सभी ऐसे करते होंगे। अब आ जाते हैं गौना के ऊपर। शिवा के लिए मुझे जितना टेंशन लेना पड़ा गौना के लिए उतना नहीं था, बट था बहुत टेंशन बिकॉज गौना मार्च के 7 में आई थी हमारे घर पर और ये सारे पेट्स हमारे घर पे फर्स्ट टाइम है, न्यू है, इनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। आई थिंक आज अगर हम शिवा के बाद और एक पप्पी रखेंगे हमको उसके बारे में इनफ जानकारी होगी, हम उसी हिसाब से चलेंगे। गौना के बाद अगर कोई और एक पैरेट रखेंगे उसी हिसाब से चलेंगे, बट तब ये सब हमारे फर्स्ट है तो इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं था हमारा। तो गौना मार्च 7 में आई थी, तो आने के बाद नो बेबी शिवा, नो नो नो, कमो कमो करना कम, शिवा। ओके, सो गौना 7 में आई थी, आने के बाद हमने उसको टमाटो दिया था बिकॉज उसके खाने के हिसाब से थोड़ा बहुत अनअवेलेबल था घर पे, तो कुछ अवेलेबल नहीं था सादा, कुछ गुआवा था, केला था, मतलब बनाना था, बट हमने टमाटो दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि वो ड्राउजी ड्राउजी फील कर रहा है, तो मैंने इमीडिएटली सर्च किया तो बताया गया कि ग्रेप्स और टमाटोज ये सब देना उसको मना है, कॉफ़ी देना मना है, चॉकलेट्स देना मना है, तो ये सब उनके लिए थोड़ा सा मतलब जहर के टाइम भी जहर के जैसे उसका काम कर सकता है। शिवा शिवा नो कामो कामो,
লোকে না না ব্যাব বলবে এবার বলে দিলাম ব্যাবু বলবে ব্যাবু বলবে ব্যাব বয় বলবে ব্যাব বয় বলবে কিন্তু এবার সো গানা কো এসে হাম এস এ নর্মালি খানে পিনা সব উসকে বারে মে সব কুছ সার্চ কিয়া কি ও সিট খাতি হ্যায় ও ইয়ে সব हम उसको एसी के घर पे लेकर जाते थे बिकॉज रात को हमें बहुत अकेला अकेला लगता है शिवा और गाना के बिना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको हमारे बेडरूम में ही लेकर जाते हैं एक साथ सोने के लिए। ऐसे जाते जाते मैंने देखा कि शिवा गाना को एक दिन अचानक से शिवा गाना नो शिवा घर का सबका चहेता बन गया है। ये दोनों पापा आते ही उनके पैर पकड़कर खाना पीना सब कुछ चलेगा। बड़ा बदमाश हो गया ये वाला सबसे छोटा वाला। ओके तो इसी के रूम में ले जाते थे, तो मैंने धीरे धीरे देखा कि एक दिन आके पहले पहले मैंने देखा कि गौना ऐसा छींक रही है और उसके नाक से एकदम मतलब भारी मात्रा में पानी निकल रहा है। तो पापा ने मना कर दिया कि उसको एसी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और एसी में नहीं ले जाएंगे, दैट्स बिकॉज ऐसे उसको ठंड लग रही है तो मैं एसी में नहीं लेकर गई। बट ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी बट वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। फिर खाना पीना बीच बीच में बंद कर देती थी बिकॉज क्या होता था पता नहीं, बीच बीच में बंद कर देती थी। फिर उसको पतली उसको भी ऐसे पतली पॉटी आती थी तो वो मैं सब कुछ नोटिस करती थी एंड देन थोड़ा थोड़ा ठीक होता था, आता जाता ऐसा रहता था। तो दशहरा जब हुआ, दशहरे की छुट्टी में मैंने बोला नहीं इट्स ऑल ओवर, मैं और नहीं सह सकती, ये नहीं देख सकती। इट्स क्वाइट वेरी एम्बेरेसिंग कि आप अपने पेट को देखो कि वो ऐसे तबीयत खराब होकर घर पर बैठी है। और उसी दिन ऐसा हुआ था कि मुझे भी बहुत सर्दी हो गई थी और मम्मी वैक्योर करने के लिए दे रही थी कि हम ऐसे भाप लें, तो मैं सोच रही थी मुझे ठंड हो रही है तो मुझे कितना तकलीफ हो रहा होगा, तो गौना को कैसा लग रहा होगा, वो तो बोल भी नहीं पा रही तो उसको कैसा लग रहा होगा। तो मैं नेक्स्ट डे मैंने उसी रात को डॉक्टर को कॉल किया था, डॉक्टर ने बोला कि आप पेशेंट को लेकर आइए फिर हम बताएंगे, बिना देखे हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट डे गौना को लेकर गई, मम्मी ने उसको पकड़ा था और वो केज के अंदर था। मम्मी को डरने शिवा ओके मम्मी ने उसको पकड़ा था, पापा के पैर को पकड़ पकड़ कर ऐसी हालत हुई है इसकी, बैड बॉय चप। तो डॉक्टर लेकर गए तो डॉक्टर ने मुझे दिया बर्ड प्लस, ये एक सिर्फ है 100 रुपीज़ का आता है बर्ड प्लस, ये एक दिया। तो इसमें होता है बेसिकली ये है कि आपको 10 ड्रॉप्स देना होगा। ए अनिका कम यहाँ, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, शी वाज अ गुड बॉय। वीडियो बनाने के बीच में इतनी बार डिस्टर्बेंसेस इसके अलावा कोई नहीं करता। ओके ये होता है पेट बनने का, पेट पेरेंट या फिर पेरेंट बनने का कोई भी एक्सपीरियंस। बेबी ओके। तो उन्होंने ये बर्ड प्लस मुझे दिया, दोस्त बनाना बर्ड प्लस मुझे दिया, तो मैंने बर्ड प्लस उसको दिन में अभी तक भी वो खाता है, इसमें थोड़ा सा ही है, फिर उसको डॉक्टर के पास फिर से ले जाऊंगी। दशहरे के टाइम मतलब अक्टूबर नवंबर का लास्ट है, अक्टूबर 10 या 11 से मैं दे रही हूँ उसको। हाथू बाबा ओके तो ऐसे उसको देती हूँ दिन में एक बार 10 ड्रॉप करके उसको देती हूँ। इसमें क्या लिखा है
इसके अनुसार आपके जो बर्ड हैं, पैरट है, उनका ब्रीडिंग अच्छा होगा, उनका कलर अच्छा होगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड उनका ओवरऑल पावर अच्छा होगा। मतलब वो सारा दिन एक्टिव रहेंगे। तो डेफिनेटली इसको खाने के बाद से मेरी गौना जो है वो अच्छी होगी है। कमा कमी नॉय नॉय कमा कमी गुस्सी में हो। ओके तो कम तो वो एक्टिव रहती है, वो हर वक्त बुलाती भी है। सॉरी मैंने पैर ऊपर कर लिया था, दैट्स बिकॉज ये थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाती है। सबको पैर, सबके पैर को पापा का पैर समझ लेती है। रात को मैं आपको दिखाऊंगी कि रात को क्या करता है वो। देखो देखो देखो, ओ माय गॉड, पापा को देख लेता है तो ये दोनों क्या करते हैं, कोई इनका एंगल, इनका डायरेक्शन कोई नहीं जान पाएगा कि चाहते क्या है। इतनी खुशी, ये तो पूरा पागल हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में इसको आता ही नहीं। देखो देखो देखो, इसको आता ही नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किस दिशा में जाएगा पापा को मिल, पापा को पाके। तो चलो ये खेलते रहे, मैं तब तक आपको बता देती हूँ। एंड तो उसके बाद अभी बहुत थोड़ी अच्छी, अभी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से एक्टिव रहती है। एंड इसको तो आप देख ही पा रहे हो ये कितना एक्टिव है, कितना बिना एक्टिव है। ओ माई गॉड, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस। शिवा आउच, शिवा शिवा, अच्छा निपिस वदा निपिस। तो ऐसे करके इनके साथ सारा दिन कर्लिंग करते 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 मेरा दिन चला जाता है, करते करते सारा दिन मेरा चला जाता है। ओके तो ये था सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कि देसी ब्रीड है इसीलिए ये ना कर, ये खाए, ये खिला दीजिए, ये रफ एंड टफ ऐसा ना करवाए। अपने वेट से डिस्कस करके फिर इनको खाना पीना दे और इनको थोड़ा सा नज़र रखे, आँख आँख में रखे, बिकॉज आँख आँख में रखने का ये मतलब है कि इनको नज़र में रखे। दैट्स बिकॉज ये जो कोप्रोफेजिया जो मैंने बोला ये हो भी सकता है अगर आप अपनी बेबी को अच्छे से नहीं रखेंगे और उसका टेंशन, इसका बहुत सारे रीज़न है, आपको मैं इतने डिटेल्स में कैसे बताऊँगी। देखो कैसे कर रहा है, इसका मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि कोप्रोफेजिया का बहुत सारा इंटेंशन होता है कि वो अपने ओनर का जो है, अपने पेरेंट का जो है नज़र अपने तरफ भी स्वीक करना चाहते हैं, इसीलिए करेंगे। ओह शिवा ए ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक ढिंक चिका चिका ढिंक ढिंक चिका चिका ढिंक 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 चिका चिका ढिंक ढिंक चिका चिका ढिंक ढिंक चिका चिका ढिंक ढिंक। अरे छोड़ दे, एक नंबर बदमाश हो चुका है। ओके तो ऐसा ना करवाए, थोड़ा सा ध्यान रखे अपने पेट के ऊपर भी। एंड देसी है इसके लिए सब कुछ कर खा लेगा, रफ एंड टफ होता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो भी बच्चे हैं, उनको बहुत ही खास ख्याल की ज़रूरत है और हर वक्त, ये सारे सोशल एनिमल्स हैं, इनके हर वक्त पास पास में रहिए तो ये कंफर्टेबल फील करते हैं। इनको लगता है कि मेरे जो पेरेंट हैं मेरे पास, 1-6 मंथ्स के कम बच्चे आपको पेरेंट्स, देखो देखो क्या कर रहे हैं, ओ माय गॉड शिवा, तो आपके पेरेंट्स समझते हैं, उनको डांटिए, उनको कमांड दीजिए, उनको सब कुछ सिखाइए। और ये तो 1 मंथ का है तो ये तो और ज़्यादा लाडला है घर पे, ये गौना ये सारे बहुत लाडले हैं। जो भी देखता है वो ही मुझे पूछता है तुम्हारा गौना शिवा क्या कर रहा है, मैं बोलती हूँ वो दोनों घर पे तांडव मचा रहे हैं, ढींका छिक्का कर रहे हैं। देखो 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 शिवा ठस कर जान मारो। आपको मैं सुनाऊंगी, किसी पप्पी को अपने माँ बोलते सुना है? इसको अगर मैं बेडरूम में दिन के टाइम रख के आऊंगी, अपने शाम के टाइम अभी जाकर रख के आऊंगी ना, देखो देखो दिन के टाइम देखो कैसे सुनेगा, शिवा शिवा बेडरूम में की बंद कर रखा हो तो क्या देखा, अगर मैं उसको दिन के टाइम बेडरूम में जाकर रख के आती हूँ ना, तो
तो वो क्या कहता है पता, चिढ़ा रहे हो मुझे, चिढ़ा रहे हो, मैं मम्मी बुलाते हूँ ये चिढ़ा रहे हो, दुष्ट लोग चिढ़ाते हो, दुष्ट दीदी ठश करके बुलाता है, फिर जाके उसको खोल के लाती हूँ, फिर जाकर वहाँ रूम में रखती हूँ, फिर वो रहता है। तो उसके लिए ये पट्टी लाई हूँ मैं छोटा सा, ये इतना बड़ा था, मम्मी ने इसको घर पे ही इसका सारा होल बनाया, फिर मैंने आधा काट दिया, फिर चेन से उसको बांध दिया, मेरे को डर लगता है ना, फिर बांध के थोड़ी थोड़ी रखती हूँ, रात को टाइम खोल देती हूँ, पापा के साथ खेलता है, फिर सोने चल जाता है। एंड उसके लिए टॉयज़ भी मैं लेकर आई हूँ, बट उसको टॉयज़ पसंद नहीं है कुछ खास, वो घरेलू है ना, उसको चावल दाल रसोई की चीज़ें बड़े पसंद है, रसोई में जाकर मम्मी के साथ रसोई करना, फिर हाँ बर्तन मांजना, रसोई करना, तो या If you like watching this video, if you get some of the help from this video information, then do share this video to all your friends and family, to all the pet parent out there, and definitely like, comment down below how you feel that. And मैं medicines के सारे information नीचे description box में भी दे दूँगी ताकि आपको help हो जाए, but मेडिसिंस के बारे में आप अपने वेट से थोड़ी बहुत कंसर्न कर लेना, बिकॉज ये मेरे वेट ने मुझे रिकमेंड किया है, सबके वेट एक ही मेडिसिंस को रिकमेंड करेंगे, ये होने होएगा नहीं, तो आप अपने अपने वेट से कंसर्न कर लेना। मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया, वर्क किया, जब मैं वैक्सीन देने के लिए जाऊँगी फर्स्ट वैक्सीन सेवा को, वो भी आपको बताऊँगी, वो भी आपको अपडेट दे दूँगी, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बट देखो इसका बाइट करने का कितना नेचर है, ये भी मैंने पता किया है कि अगर आपका पप्पी बाइट करना है, बाइट कर रहा है तो उसको क्या करे, तो उसको बताए नो, बोले नो, बट मैं अपने शिवा को जब नो बोलती हूँ ना, नो नो, देखो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों करता है। आपके पास अगर कुछ है तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे कमेंट करके बताएं कि मैं उसको बाइटिंग कैसे रोक पाऊँ। इंडियन मॉन्ग्रेल चप। एंड यह इफ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरा हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलती है। Thank you, and tada from both of us. मैं तो उस घर में उसको लेकर आ नहीं पाऊंगी, तो शिवा शिवा टाटा बोले दो, उसको नींद आई, सोएगा सो सोएगा, शिवा टाटा बोले दे बाबा, मामा मामा की बाबा, हाथू हाथू दो बाबा, हाथू 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 दे, अरे बाप रे क्या कर क्या रहा है, सुना है तेरे दिल पे, ये ना मैं अपने शिवार गाने को डेडिकेट करनी है, देखो सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना नाम लिखा है, ढिंक चिका